पहले आप सभी को एडवांस में हैप्पी ईद। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी कैसे आप सलवार सूट पे इस ईद कम टाइम में कम मेकअप प्रोडक्ट में विदाउट एनी ब्रश आप अपने लिए एक बहुत ही अच्छा से मेकअप लुक क्रिएट कर सकती है। ये मेकअप होने वाला है अंडर 250। मैंने जो भी प्रोडक्ट यूज़ किया है वो सारे अंडर 250 के हैं। मेकअप की शुरुआत कर रही हूँ मैं यहाँ पे क्लिंजिंग से। मैंने यहाँ पर गार्नियर का क्लिंजिंग वाटर यूज़ किया है। उसके बाद मैं यहाँ पे लूँगी पॉन्स की मॉइस्चराइज़र क्रीम। मॉइस्चराइज़र करने के बाद मैं यहाँ पे ले रही हूँ स्विस ब्यूटी की रियल मेकअप बेस हाइलाइटर प्लस प्राइमर। बहुत ही अच्छी प्राइमर है। ईद का मेकअप है तो ऑफकोर्स आपके फेस पर ग्लो होना चाहिए, तो एक बहुत ही लाइट सा नेचुरल ग्लो आता है क्योंकि टिंट में टिंट फॉर्मूला का है इसमें। तो देखिए बहुत ही अच्छा सा इसमें ग्लो आता है। मैं यहाँ पर वही यूज़ कर रही हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पर NYB की कलर करेक्टर यूज़ कर रही हूँ, बहुत ही लाइट हल्के हाथों से, जहाँ पर मेरे थोड़े पिगमेंटेड एरिया है जैसे अंडर आई, माउथ साइड में, नोज साइड में, बहुत ही हल्के हाथ से। उसके बाद मैं इसको अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी फिंगर की हेल्प से। कलर करेक्टर के बाद मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ मेबलिन की फाउंडेशन। मेरा सेड है 220 नेचुरल बेज। ये बहुत ही अच्छा फाउंडेशन है। सबसे अच्छी बात मुझे इसकी यही लगती है कि बहुत अच्छी से ये ब्लेंड हो जाता है। आपको ज़्यादा भी टाइम नहीं देना पड़ता है, बस ऐसे हल्के हाथ से टैप टैप करो, उसके बाद ये ब्लेंड हो जाता है। और मैं यहाँ पर ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से अच्छे से इसको ब्लेंड कर लूँगी। आई मेकअप करने के लिए मैंने अपने आँखों के साइड एक स्टिकी टेप लगाया है। इससे आँखों का एक डेप्थ मिल जाता है। अगर आप आई शेडो लगाती हैं तो आप बिना ब्रश के तो बहुत ही अच्छा सा एक लुक आता है। तो मैं यहाँ पे जैकलिन हिल की मॉर्फी पैलेट ले रही हूँ, उसमें से अब मैंने यहाँ पे ट्रांजिशन शेड पिक किया है और आँखों को थोड़ा सा पुल करते हुए अपने अच्छे से एक क्रीज एरिया पे मैं अप्लाई कर रही हूँ। उसके बाद मैं डार्क ब्राउन शेड ले रही हूँ। जो भी मैंने क्रीज एरिया पे ट्रांजिशन शेड लगाया है उसी पर मैं एक डार्क ब्राउन सा कलर लेके पिक कर रही हूँ। मुझे एक डार्क ब्राउन सा सॉफ्ट सा लुक चाहिए। उसके बाद मैं यहाँ पर वेट एंड वाइल्ड की आई शेडो पैलेट से, जो मेरे सूट से मैचिंग करता हुआ पर्पल कलर है, उस पर मैं बहुत ही लाइट बहुत ही हल्के हाथों से अप्लाई कर रही हूँ। मैं थोड़ा सा लेकर उसके बाद मैं इसको अच्छे से ब्लेंड कर दूँगी। सारे मैं फिंगर की हेल्प से ही करती हूँ और क्योंकि मुझे इससे बहुत ही अच्छा सा रिजल्ट आता है। तो अब बारी आती है स्टेप को हटाने की। ये देखिए कितना अच्छा सा लग जाता है, बिल्कुल मतलब कहीं इधर उधर नहीं होता है। अगर थोड़ा सा मिस्टेक होता है तो आप क्यूटिप की हेल्प से इसको आसानी से रिमूव कर सकती हैं, बहुत अच्छा से रिमूव भी हो जाता है। उसके बाद मैं यहाँ पे अपना ऑल टाइम फेवरेट स्टेक वेयर की जेल आईलाइनर यूज़ कर रही हूँ। इससे सबसे पहले मैं इससे अपने आँखों को टाइट लाइन करूँगी, फिर इसी से काजल लगाऊँगी, बहुत ही एक लाइट सा काजल लगाऊँगी बहुत ही हल्के हाथों से। सिर्फ एक या दो स्ट्रोक ही लूँगी मैं। उसके बाद मैं और ज़्यादा दम जेड ब्लैक करने के लिए काजल का यूज़ कर रही हूँ। आप ये फॉर्मूला ज़रूर अपनाएं, इसे बहुत अच्छा कलर आता है। पहले आप जेल आईलाइनर यूज़ करें, उसके बाद कोई काजल यूज़ करें। उसके बाद मैं क्यूटिप की हेल्प से जो मैंने अपने पर्पल शेड यूज़ किया था आँखों के ऊपर, वही लोअर लैश लाइन के नीचे भी यूज़ कर रही हूँ। उसके बाद मैंने यहाँ पर मेबलिन का मस्कारा यूज़ किया है। अब मैंने दोनों आँखों में अपना सेम आई मेकअप कर लिया है। उसके बाद मैं यहाँ पर लूज़ पाउडर यूज़ कर रही हूँ ब्लू हेवन की। उस पाउडर के बाद मैंने यहाँ पर ब्लू हेवन की आईब्रो डिफाइनर यूज़ कर रही हूँ। स्पूली की हेल्प से मैं आईब्रो को अच्छा सा शेप दे दूंगी। उसके बाद मैं SFR के जो पीच कलर का ब्लश है वो यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि पीची पीची ब्लश मतलब बहुत अच्छा लगता है देखने में। खास करके ये दिन का मेकअप है तो दिन में उतना ज़्यादा लाउड नहीं, बहुत ही सॉफ्ट सा इजी सा मेकअप लुक है ये। उसके बाद मैं यहाँ पर मिलानो की हाइलाइटर यूज़ कर रही हूँ। NYB के कॉन्टूर स्टिक से हल्की सी मैं कॉन्टूर कर लूँगी अपने नोज़ एरिया को। उसके बाद मैं सेटिंग स्प्रे स्विस ब्यूटी की यूज़ कर रही हूँ। लिप लाइनर के लिए मैंने यहाँ पर ग्लैम 21 का पिंक कलर का लिप लाइनर यूज़ किया है। लिपस्टिक के लिए मैंने यहाँ पर ब्लू हेवन की लिक्विड लिपस्टिक यूज़ करी हूँ। मेरा शेड है शो गर्ल। तो ये रहा मेरा फाइनल लुक।
मैंने बहुत ही कम प्रोडक्ट में ये मेकअप लुक क्रिएट किया है। और हेयर स्टाइल के लिए मैंने अपने यहाँ पे यूज़ किया है रेड कलर का फ्लावर, और गले में मैंने ग्रीन कलर का मैचिंग चोकर पहना है, और हाथ में एक बड़ा सा इयर रिंग्स इस पूरे लुक को बहुत ही अच्छे से कॉम्प्लीमेंट करने के लिए। आई होप ये वीडियो आप सबको पसंद आता है। अगर पसंद आता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और उस वीडियो को लाइक करना ना भूलें।